हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल वेगनीटर्स। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ अचारी भरवर भिंडी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो आज हम इसका मसाला जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। नॉर्मल भिंडी तो सभी खाते हैं, बट ये भिंडी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 25 ग्राम के अराउंड रॉ पीनट्स ले रही हूँ। इसमें मैं 1 टेबल स्पून धनिया सीड्स ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी। 4-5 दाने में इसमें काली मिर्च के, 1 टेबल स्पून मैं इसमें मेथी दाना ऐड करूंगी। 4 मैंने इसमें क्लोव्स ऐड किए हैं और थोड़ा सा मैं इसमें सौंफ ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के अराउंड। हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जो हमारे खड़े मसाले हैं इनका मॉइस्चर हट जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो अब हम इनको ग्राइंड करेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, इसे हमें ऐसे ही ड्राई ग्राइंड करना है, एक पाउडर बनाना है हमें। तो हम इसे ऐसे मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देती हूँ ग्राइंड करने से पहले। थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के अराउंड मैंने भिंडी ली है। इसको मैंने ऊपर और नीचे से कट करके बीच से मैं ऐसे एक वर्टिकल में एक चीरा लगाऊंगी और हम इसमें मसाला भरेंगे। तो सारी भिंडी को हम तैयार कर लेते हैं ऐसे बीच से कट करके। सारी भिंडी हमारी तैयार हो गई है, सब बीच से मैंने कट कर लिए। अब मैं इसमें मसाला भरूंगी, जो मैंने ये जो ड्राई पाउडर मैंने ग्राइंड किया है। तो सारी भिंडियों में हम ऐसे करके मसाला भर लेंगे। सारी भिंडियां हम ऐसे तैयार कर लेंगे। नॉर्मल भिंडी तो हम घर में बनाते ही हैं, लेकिन ये भिंडी आप थोड़ा सा इस टाइप से बनाएंगे तो एक तो बहुत अच्छा और बहुत अलग टेस्ट आता है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, और थोड़ा सा हमारी जो सब्जी है वो भी थोड़ा मतलब डिफरेंट स्टाइल में बनती है, थोड़ा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो हमारी भिंडी तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पे 2 बिग टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसे मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें सारी भिंडियों को शैलो फ्राई करेंगे। सारी भिंडियां हम इसमें ऐसे लगा देते हैं। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, तेज नहीं रखना है, वरना आपकी भिंडी एकदम से मतलब डार्क ब्राउन हो जाएगी, जो कि हमारे को एकदम से नहीं करना है। थोड़ा सा अंदर तक पकनी चाहिए। तो हल्के हाथों से हम इसे हिला लेते हैं ताकि इसका मसाला ना निकले। तो हम इसे 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही हल्का सा पकाएंगे ताकि भिंडियों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो देखिए, हमारी भिंडी जो है वो रोस्ट हो गई है, देखने से ही लग रहा है। तो हम इन भिंडियों को प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में जिसमें हमने भिंडी फ्राई की थी, इसी में मैं 4 मीडियम साइज अनियन को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में। अब इसको मैं इसमें पका रही हूँ। ऑयल नहीं डालना है एक्स्ट्रा ऑयल, क्योंकि जो भिंडी है उसमें भी थोड़ा ऑयल होगा। जब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे तो उसका भी ऑयल सीक्रेट होगा इसमें, इसलिए एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालें तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं।
तो यहाँ मैंने तीन टोमेटो को, रॉ टोमेटोज को मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो की पेस्ट ऐड करी है। अब हम इसको पकाएंगे ताकि जो टोमेटो का कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। हमारी जो मसाला है टमाटर प्याज का वो थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का सा घी भी इसने छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी सॉल्ट डाला है, तो सॉल्ट थोड़ा सा देख के डालें। थोड़ा सा देगी मिर्च, गरम मसाला, और हम इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, क्योंकि भिंडियों में भी मसाला है तो ऐसा ना हो कि मसाला ज़्यादा हो जाए। अब हम इसमें शैलो फ्राई की हुई जो भरवा भिंडी है वो ऐड करेंगे। इनको हल्के हाथों से हम हिला देते हैं ताकि जो मसाला है वो सारी भिंडियों पे कोट हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और इस समय इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, जो मसाले हैं वो इतने अच्छी मतलब फ्लेवर दे रहे हैं, इतना अच्छा एरोमा आ रहा है मसालों का। अब हम इसे थोड़ा सा कवर करके 5 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 5 से 8 मिनट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है। तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके जो भी अनुभव हैं, रिव्यूज़ हैं, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आइए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी लग रही है मसाला अचारी भरवा भिंडी। आप इसे पराठे के साथ सर्व करिए, पूड़ी के साथ सर्व करिए, नॉर्मल चपाती के साथ सर्व करिए, जैसे भी चाहें आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।